इस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा 1 लाख प्लस पे आउट वाले अचीवर हमें देने हैं। कंपनी ने जब सोचा है तो कुछ तो तैयारी करेगी, इसलिए आप सब लोगों के लिए दिसंबर 2020 से लेकर दिसंबर 2021 यानी लगभग 13 महीने का ऑफर शूट हो गया है। और वो ऑफर किस लिए शूट हुआ है, हर एक व्यक्ति का चेक पड़ने वाला है सेंटर भवन पर। तो पहला उसके ऑफर में सबसे पहला पड़ाव हमारे एक्टिव बोनस अचीवर्स। एक्टिव बोनस वालों को एक्टिव प्लस नाम की एक एक्स्ट्रा इनकम दी जाएगी। ध्यान देना, इसमें सिर्फ वो लोग आएंगे जो सिर्फ एक्टिव बोनस कमाते हैं। कंसिस्टेंसी वाले नहीं आएंगे, सुपर एक्टिव नहीं आएगा, कार फंड हाउस फंड नहीं आएगा, यानी सिर्फ वो लोग जो एक्टिव बोनस बनाते हैं, चाहे 1 पॉइंट, चाहे 2 पॉइंट, चाहे 4 पॉइंट, चाहे 5 पॉइंट। क्लियर है? जितना एक्टिव बोनस का पॉइंट बनेगा उतना एक एक्टिव प्लस का पॉइंट बनेगा। इसका मतलब कोई 2500-2500 मैच करता है तो उसका एक एक्टिव बोनस और एक एक्टिव प्लस। अगर कोई 5000 मैच करता है तो 2 एक्टिव बोनस और 2 एक्टिव प्लस। कोई 7500 मैच करता है तो 3। हाँ, मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका। इस एक्टिव प्लस की जो पॉइंट वैल्यू है, कंपनी का टर्नओवर 2% निकाला जाएगा और सिर्फ एक्टिव बोनस पॉइंट अचीवर से डिवाइड करके पॉइंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। हम सबको पता है कि जब स्टेज 1 कोरोना रिलीफ फंड की स्टेज 1 निकाली गई थी, 2.5% डिस्ट्रीब्यूशन था, पॉइंट की वैल्यू कितनी निकल के आई थी स्टेज 1 की? 125 के आसपास, 100 से प्लस ही रहा था। अब ये 2% है तो इसका मतलब ये भी लगभग 100 से प्लस तो रहने वाला है। यानी हमारे हर एक्टिव बोनस वाले अचीवर को कितना मिलेगा? 300 भी लेके चलो, 300 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? खुश, बढ़िया, टेंशन खत्म, बोला पॉइंट वैल्यू टर्नओवर बढ़ गया। इनका नाम है मिस्टर डी के सारन, ही नो वेरी वेल कि कब क्या करना है, राइट? चलो, द नेक्स्ट इज सुपर बोनस। तो जितने सुपर एक्टिव वाले पहले खुश हो जाओ। सुपर एक्टिव का जितना पॉइंट बनेगा उस पे एडिशनल एक सुपर बोनस का भी पॉइंट बनेगा। सुपर बोनस में कंपनी ने क्या किया, अगेन ये भी दिसंबर 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक है। क्लियर है? द नेक्स्ट, जितने लोग सिर्फ सुपर एक्टिव बोनस क्वालिफाई करेंगे, ध्यान देना इसमें कार फंड और हाउस फंड वाला नहीं आएगा। 5000 मैच करते तो एक सुपर एक्टिव, 5 लाख मैच करते हो तो 10 सुपर एक्टिव, अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाले नहीं हो तो आपको 10 क्या मिलेंगे? सुपर बोनस। आप सब लोगों को याद होगा कि जब कोरोना रिलीफ फंड की स्टेज 2 में सुपर एक्टिव वालों को 2.5% डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया था कंपनी के टर्नओवर का, पॉइंट की वैल्यू सिर्फ क्या निकल के आती थी सीआरएफ स्टेज 2 की, बताना? लगभग 3000 मिनिमम, 2200-2300 गई थी। अब ये 2% है, 2000 मान के चल रहे, कंफर्म नहीं बता रहे, मैं तो एक आइडिया लेके चल रही हूँ कि जब पहला वो आया था तो इसको इतना ही मान ले, वी नॉट कंफर्म। लेकिन आप समझो 1500-1800 या 2000 भी एडिशनल उसी 50,000 मैचिंग वालों को मिल रहा होगा तो बढ़ गया इनकम, बढ़िया, बढ़ गया 110%। इनका नाम मिस्टर डी के सारन है, ही नो वेरी वेल 2% कहाँ डालूंगा तो इनकम बढ़ जाएगी खटाक से। कम से कम हमें 3 लाख मैचिंग करनी होती है। अब 3 लाख मैचिंग अगर कोई सुपर एक्टिव वाला करेगा तो हमारा उसे सुपर बोनस का फंड मिलकर एक अच्छी इनकम बन जाएगी। बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? राइट। अभी यहाँ पर अगर कार फंड वाला 3 लाख मैच करेगा तो उसका पे आउट का चांस कम है कि वो मंथली बोनस ले पाए, मतलब 3 लाख पहुंचा पाए। बट उसकी इनकम बढ़ाने के लिए कंपनी ने क्या करा, 3 लाख से लेकर जो 5,99,999 मैच करेगा, इसका मतलब अगर कोई 2 लाख मैच कर रहा होगा तो फाइट करके 3 लाख आए। कोई 2.5 लाख पे होगा, कोई यही 3 लाख पे जाना है मुझे क्योंकि मंथली बोनस का पॉइंट मिलना है मुझे। और इस मंथली बोनस के फाइट में मैक्सिमम लोग 3 लाख से ऊपर टच करने का प्रयास, मतलब टारगेट मिल गया लोगों को कि मुझे 3 लाख जाना है, 3 लाख जाना है। जो लोग 3 लाख से लेके 5,99,999 मैच करते हैं, यानी एग्जांपल सुपर एक्टिव कार फंड या हाउस फंड का 6 से लेकर 11 पॉइंट बनाते हैं, जैसे ही 12वां बना देगा यहां से आउट, 5 से लेकर 11 पॉइंट जो बनाते हैं उनको 1 पॉइंट मंथली बोनस का दिया जाएगा। इसकी भी वैल्यू 2% निकाल के बांटी जाएगी। अब सोचो सुपर एक्टिव वाले भी ज्यादा लोग हैं, एक्टिव बोनस वाले भी ज्यादा हैं,
इस 3 लाख से नीचे वाला इसमें नहीं आएगा, 6 लाख से ऊपर वाला इसमें नहीं आएगा, यानी इसमें बहुत कम लोग होंगे। इसलिए ये 2% फंड तो है, लेकिन पॉइंट की वैल्यू खतरनाक बढ़ी, इसकी ज्यादा बढ़ी गई, 10,000, 12,000, 15,000। मेरा एक आइडिया होता है कि हो सकता है इतना चला जाए, यानी 3 लाख मैचिंग करने पे किसी को एडिशनल 10,000, 15,000, 20,000 की इनकम आ जाएगी। सोचिए चेक 1 लाख पार करेगा कि नहीं करेगा, कर गया पार। और ये सब ऑफर किस लिए डाले गए हैं, मैक्सिमम लोग 1 लाख प्लस पे आउट के लिए फाइट करें। और आपको एक उद्देश्य, एडिशनल उद्देश्य मिल गया अपने 1 लाख को फाइट करने के लिए। तीनों में कुछ कंडीशन है, जैसे जिनको एक्टिव कंपनी की सारी इनकम लेने के लिए कोई कंडीशन नहीं, सबको पता होगा पर्सनल परचेसिंग कंडीशन है नहीं, लेकिन एक्टिव बोनस के लिए पर्सनल परचेसिंग कंडीशन क्या है, 15 तारीख से पहले। याद रखना आपकी जो सुपर बोनस है इसके लिए कंडीशन क्या है पर्सनल परचेस की, 1,000 BV 15 तारीख से पहले। आपके मंथली बोनस के लिए पर्सनल परचेस क्या है, 2,500 BV 15 तारीख से पहले। कर लेंगे पक्का, यस। कितने लोग इसे अचीव कर सकते हैं सोचिए। चेक बढ़ाने के लिए पहली मैंने ऐसी कंपनी देखी जो इस तरीके से काम करती है। मैंने देखा चेक बढ़ाने के लिए लोग अपने उसी परसेंटेज में ऊपर नीचे करते हैं। ये कंपनी जैसे अपने लीडर्स की चेक बढ़ाना होता है एडिशनल निकाल के बांटना शुरू करती है। 6% एडिशनल फंड है ये, कितना 6% एडिशनल फंड बहुत बड़ा होता है। अभी कंपनी का मान लो 20 करोड़ टर्नओवर, 20 से 25 करोड़ टर्नओवर, 20 करोड़ का 6% कितना होगा, 12 करोड़ के आसपास, सर 1.25 करोड़ के आसपास, जिसे बचा सकती थी क्योंकि प्लान में कभी नहीं बोला कंपनी ने मैं बांटूंगी 6%। बहुत आराम से बचा सकती थी कि नहीं बचा सकती थी, खुले हाथ से। अभी तो 25 करोड़ है, ये भविष्य में बढ़ना ही है। 100 करोड़ होगा तो, और 110% है, इस साल में हम महीने के 100 करोड़ तो पार करेंगे। 100 करोड़ का 6% महीने का 6 करोड़ एडिशनल बांटना, सर हिम्मत चाहिए, कलेजा चाहिए, जिगरा चाहिए बांटने के लिए, वरना अपने तो आयो में से कोई नहीं निकालता। बोला प्लान में बांट तो दिया, और यही प्लान देख के तो राजेश भाई आए थे आप, ये एडिशनल फंड देख के थोड़े आए थे। यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति वो प्लान देख के आया था जो प्लान हम दिखाते हैं। ये एडिशनल फंड की तो कभी बात ही नहीं हुई, कंपनी बहुत आराम से बचा सकती थी कि नहीं। इसके अलावा आपको पता है एनिवर्सरी 10 जगह सेलिब्रेट कर रही है कंपनी, हाँ कि ना। 20,000 BV लेफ्ट, 20,000 BV राइट, जो मैच करेगा साथ में पर्सनल परचेसिंग कितनी, 1,000। कितनी तारीख से पहले, 20 तारीख से पहले। अगर आप कर लेते हैं तो आपकी जगह जगह पर जो एनिवर्सरी सेलिब्रेट होने वाली है वो 10 जगह होगी, और वो 10 जगह सेलिब्रेशन में आप हिस्सा बनेंगे। 2 day 1 night रहना, खाना, सीखना, और सीखना भी किससे, जिनका नाम है मिस्टर DK, इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन क्रिएट करने वाले व्यक्ति की आप एनिवर्सरी की ट्रेनिंग लेने वाले हो। और लकीली फॉर्चुनेटली हो सकता है लखनऊ का उसमें नाम हो, एक लोकेशन में से एक लोकेशन में भी यूपी में लखनऊ को फाइनल किया जाए, बिकॉज ये सेंटर पड़ता है। डिसाइडिंग फैक्टर कुछ है कि आप कितने अचीवर हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हर जगह से कर रहे हैं, देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यूपी में इतने क्वालिफाई होंगे 110%। कोरोना की वजह से ना हर कोई दिल्ली नहीं पहुंच पाएगा, हमेशा कंपनी दिल्ली सेलिब्रेट करती है। 3 साल कंपनी ने दिल्ली NCR में सेलिब्रेट किया, हरियाणा में सेलिब्रेट किया, पहली बार 10 स्टेट में। एंड वी आर दी कंपनी जो अपनी एनिवर्सरी जगह जगह पर सेलिब्रेट करने वाले हैं। डायरेक्ट सेलिंग में पहला ऐसा हुआ भी नहीं कभी जी, नहीं कि अपनी एनिवर्सरी को लोग अलग 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 जगह सेलिब्रेट कर रहे हो। इसमें भी हम पहली ही बनेंगे कंपनी जो अपनी एनिवर्सरी को 10 जगह पर 10 लोकेशन पर सेलिब्रेट करेगी, और 10 के 10 लोकेशन पर अलग अलग डेट पे होगा, और वहां पर टॉप लीडरशिप और कंपनी की मैनेजमेंट और मिस्टर DK सहारन सर होंगे। कारण पता है क्या है, बोले हर स्टेट से लोग आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, लेकिन मुझे पहुंचना है और मुझे वहां के लोगों से मिलना है, मुझे अचीवर्स से मिलना है। लॉकडाउन कंपनी ये काम ADP में किया करती थी पहले, ADP LDP होते थे हमारे अलग अलग स्टेट वाइज, है ना, जगह वाइज। कंपनी का यही कारण था कि वहां के लोकल लीडरशिप से मिल पाए, वो भी अलग अलग डेस्टिनेशन पे कंपनी करती थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद ऐसा संभव ही नहीं हो पाया। और कंपनी का एनिवर्सरी सबके साथ सेलिब्रेट करनी तो एक जगह पॉसिबिलिटी भी नहीं कि इतने सारे इकट्ठे हो जाए, बहुत लोगों को आने जाने में भी दिक्कत होगी, कोरोना का भी डर है। तो हमने क्या करा, 10-10 लोकेशन में करेंगे। सोचो आपको ज्यादा कम से कराने चाहिए कि नहीं कराने चाहिए, अब लोगों को ले जाना आसान हो जाएगा। तैयार है, सच में तैयार है, yes!
गूंज जानी चाहिए गली मोहल्ले के बाहर तक, लगे कुछ हो रहा था। लेकिन मतलब स्लैपिंग के साथ आज के